मम्मी मनाली में पैसे बच गए भाई पेट्रोल के। बेहतरीन, अद्भुत, मनमोहक भाई, पोपट हो गया हमारा तो। ऊन दे दो भाई, ठंडी बहुत है, थोड़ी थोड़ी दान कर दो, ट्विटर बना लेंगे जाके घर पे। तो फाइनली वी आर एट सनसेट पॉइंट, दिखा दूं, सबर करो। सो हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू दी कनपुरिया ऑन व्हील्स, इट्स मी तुषार यूपी 78 से। सो जैसा कि अभी मैं हूँ कसौली में और अपने रूम में हूँ भाई, रूम की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो सारे गद्दे वद्दे फैले पड़े हैं भाई, अभी सालू भाई नहाने गए हैं, और भाई जो सबसे ज़्यादा साथ दे रही ना यहाँ मनाली में कसौली में ठंडे प्लेसेस में, वो है हीटर भाई। इस हीटर ने रात भर रूम का टेम्परेचर मेंटेन रखा भाई, इस वजह से ठंड नहीं लगी, क्योंकि आज रात में कसौली में यहाँ पे -2 degrees टेम्परेचर गया था भाई, ठंड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हीटर की वजह से सब कुछ मेंटेन रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीन गद्दे थे भाई, लेयरिंग करके हम उड़ते गए, रात भर बढ़िया आराम चिल करके सोए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और आज हम निकलेंगे मनाली के लिए, लेकिन उससे पहले कसौली में 8-10 फेमस प्लेसेस हैं, मैं नाम बता देता हूँ आपको, मंकी पॉइंट, सनराइज पॉइंट, सनसेट पॉइंट, और क्लॉक टावर भी है, एक चर्च भी है क्राइस्ट चर्च, और लवर पॉइंट, सुसाइड पॉइंट, और 2-3 जगह और हैं यहाँ कसौली में। तो सारी हम घूम लेंगे आज, 2.5-3 घंटे जितना भी लगेगा सारी हम घूम लेंगे, देन उसके बाद हम निकल जाएंगे मनाली, क्योंकि आज हमें मनाली भी पहुँचना है भाई। और मनाली पहुँचने से पहले ये सारे प्लेस निपटा देते हैं कसौली के, और एकदम मस्त घूमेंगे भाई, सारे प्लेसेस दिखाएंगे आपको क्या है कैसा है। सुसाइड पॉइंट मुझे ही देख रहे हैं, सुसाइड पॉइंट क्या है वहाँ पे कैसा है, और लवर पॉइंट भी देख ही लेंगे भाई, और मंकी क्या था यार, पता नहीं जो भी था, घूमेंगे सारे भाई ये मान लो। और सालू भाई नहा लेते हैं, गीजर अभी चालू है, पानी गर्म हो गया है, सालू भाई नहा के आए, देन मैं नहाने जाऊँगा, फिर रेडी होते हैं फटाफट से यहाँ से बाहर चल के। 8 बजे यहाँ पे शॉप खुलती हैं जहाँ पे मैं हूँ अभी कसौली में, यहाँ पे 8 बजे सारी शॉप ओपन होना चालू होती है। अभी चाय की दुकान भी नहीं है सुबह यहाँ पे, ये प्रॉब्लम है, सुबह सुबह चाय में कुछ चाहिए होती लेकिन चाय नहीं है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही, लेकिन 8 बजे का वेट करेंगे क्योंकि अभी सुबह के 6:30 ही बज पाए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। 6:30 भी नहीं बजे, 6 बजे मैंने बताया था ना अभी, 6:30 नहीं बजे अभी, कोई दिक्कत नहीं है, 8 बजे चाय पी लेंगे, लेकिन चाय पियेंगे भाई, चाय इंपॉर्टेंट है, समझ लो। तो फटाफट से रेडी होते नहा धोके, फिर चलते चाय पीते हैं, और फिर यहाँ से सब बैग पैक करके ही चलेंगे चाय पीने, क्योंकि 8 बजे मुझे निकल जाना है किसी भी हालत में यहाँ से। सारे 10 प्लेसेस घूमेंगे, 8-10 प्लेसेस है जो फेमस वाले, बस एकदम फिर निकल जाएंगे मनाली के लिए एकदम बिना रुके। आज भी गाड़ी चलानी है, समथिंग 263 किलोमीटर यहाँ से मनाली है, सफ़र लंबा है, पहाड़ों में गाड़ी चलानी है, ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम है, ठंड बहुत ज़्यादा है मनाली में जाते आते। मनाली में कल की रात को टेम्परेचर था -10, और स्नोफॉल होता है कि नहीं होता वो तो देखने वाली बात है, लेकिन हम जाएंगे भाई हैं। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, मनाली जा रहे हैं, व्लॉग्स आते रहेंगे, और अभी तक 5 एपिसोड आ चुके हैं मनाली के। मैं कानपुर से दिल्ली आया, मैं दिल्ली में सारे प्लेसेस घूमे, मैंने दिल्ली पूरा निपटा दिया 2-3 दिनों में, कुछ बचा नहीं, देन आज कसौली 5 एपिसोड आ चुके हैं, जिसने भी नहीं देखा जाके देख लेना यार, लाइक कॉमेंट शेयर कर देना। तो चलिए फटाफट से रेडी होते हैं और निकलते हैं मनाली के लिए। तो फाइनली वी आर रेडी, और अभी कसौली में जो टेम्परेचर है भाई 0 degrees Celsius है भाई, 0 degrees Celsius टेम्परेचर है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो है, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, और अभी बच चुके हैं 7:30, हम लोग एकदम रेडी हो चुके हैं भाई निकलने के लिए, 1.5 घंटे और लगेंगे, फिर यहाँ से अपने रूम से बाहर निकलेंगे और चलेंगे, बढ़िया से चाय पियेंगे कहीं गर्मा गर्म एकदम। मनाली में चाय थोड़ी महंगी है, पता नहीं क्यों 30 रुपये कप की चाय बना रहे हैं, पता नहीं किसके दूध की चाय बना रहे हैं, कोई आइडिया नहीं, लेकिन चाय बहुत महंगी है यहाँ पे। और चलते फटाफट से चाय पियेंगे और हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे, क्योंकि भाई सुबह से इतना मन नहीं होता कुछ खाने पीने का, तो 1.5 घंटे का वेट करेंगे एंड देन निकलेंगे हम यहाँ के बढ़िया top 10 फेमस प्लेसेस घूमने, तो बने रहिए, चलते हैं फिर 1.5 घंटे बाद। तो भाई रूम से निकलते ही देखा उजाला बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पे, एकदम नॉर्मल है भाई सब कुछ, धुंध वगैरह कुछ है नहीं, नो फॉग, एकदम साफ सुथरा माहौल यहाँ का। और भैया पहाड़ देख रहे हो, बगल में पहाड़ है, पहाड़ के बीच में काट के गलियाँ बनाई गई भाई, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। और चलते हैं अपनी गाड़ी देखते चल के भाई, पार्किंग में लगाई थी, पार्किंग तो नहीं थी लेकिन वहाँ कैमरा लगा था। ओ भाई सामने वाले घर चेक करो, ओ भाई क्या व्यू आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन, अभी तो चांद भी दिख रहा है यहाँ पे, वाह भाई सही है भाई, एक नंबर भाई, मंकी दिख गए, जय बजरंगबली, कितने सारे भाई, एक ये बैठा हुआ है मेरी हंटर के पास, ओए मेरी हंटर देख रहा है क्या, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दिए, पढ़ लें वहाँ पे, इंग्लिश आती है।
जा रहा हूँ, कह रहा मैं नहीं कर रहा। सालू भैया वो देख ऊपर उल्टा उल्टा लटक रहा भाई, लंगूर बना हुआ है तो। एक नंबर व्यू आ रहा भाई सुबह सुबह। और यहाँ की कसौली की मार्केट है छोटी सी, और आगे चलें? चलोगे क्या विचार है? आओ देख के आते हैं, चलो लेट्स गो। क्यों गुस्सा कर रहे हो भाई, क्यों गुस्सा कर रहे हो? सुबह सुबह टहलने भी नहीं दो क्या? इतनी दूर आए टहलने, तुम भौंक के भगा दोगे हमें। चेक करो गाइस, मेजर ध्यानचंद द हॉकी लीजेंड भाई, बहुत ही प्यारी स्मृति बनाई हॉकी लिए हुए। और सालू ये कहाँ जा रहे हो, क्या देख रहे हो? चलो अभी रूम पे ही चलते हैं, फिर वहाँ से बाइक लेके निकलेंगे भाई, टाइम होने वाला है। आओ चलें, आ जाओ, आओ चलें। तो फाइनली हम निकल चुके हैं, सनराइज पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, फटाफट से पहुँचते हैं और देखते हैं बढ़िया सा प्यारा सा व्यू भाई। एकदम टॉप पे जाना है भाई, तभी तो सनराइज व्यू का मजा आएगा भाई। उधर उधर धूप दिखेगी, अभी इधर टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस भाई, अभी ठंड बहुत ज़्यादा है। और ऊपर चलना है भाई, सनराइज व्यू तभी ना दिखेगा हमको, प्यारा प्यारा सनराइज व्यू। वाह भाई बहुत ही प्यारी रोड है भाई, सनराइज व्यू का थोड़ा थोड़ा सा अभी नज़ारा नजर आ रहा है मुझे। चलते फटाफट से भाई, पहुँचने ही वाले हैं, बस एक नंबर भाई, रहा नहीं जा रहा अब तो। OMG भाई व्यू देखो भाई, आगे चलो, यहाँ लिखा है क्या सनराइज पॉइंट? गाड़ी यहाँ पार्क करनी पड़ रही है हमें, क्योंकि आगे यहाँ से एंट्री नहीं है गाड़ी की। और यहाँ से 400-500 मीटर आगे है सनराइज पॉइंट, और यहाँ से भाई व्यू देखो भाई, एक नंबर व्यू आ रहा है। चलते हैं फटाफट से भाई, अब तो रहा नहीं जा रहा। चेक द व्यू गाइस, अल्टीमेट एकदम, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। अभी यहाँ इतना अच्छा लग रहा, तो सोचो आगे सनराइज पॉइंट कितना बेहतरीन लगेगा यार। चलते फटाफट से देख के आते हैं। भैया हम गलत रास्ते चढ़ाए, 200-300 मीटर गलत रास्ते पे चढ़ा है भाई, सनराइज पॉइंट नीचे वाले रोड पे था, हम ऊपर आ गए। और व्यू चेक करो भाई, एक नंबर भाई, व्यू बहुत ही बेहतरीन आ रहा सामने देखो भाई, एक नंबर भाई, यार दिल खुश हो गया। लेकिन गलत रास्ते पे आ गए, बस ये दुख है। क्या हो गया? गर्मी लगी रही, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे धूप आ गई ना भाई। लेकिन चलते भाई बगल वाली रोड पे जाना है नीचे, और काफ़ी आगे है यहाँ से सनसेट पॉइंट। चलते फटाफट से भाई, मजा आ गई भाई, दिल खुश हो गया, जन्नत है। उधर तो देखो भाई, एक नंबर, बादल है बादल भाई। बादल दिख रहे हैं। अभी हमको साइड वाले रोड पे जाना है, नीचे है वहाँ पे, और काफी आगे चलना है हमें, सनसेट पॉइंट हमें वहीं पे मिलेगा। यार थक गए, लेकिन चलते फटाफट से भाई। यहाँ पे हमने फोटोज वगैरह क्लिक करा लिए भाई, व्यू देखो कितना नीचे गहरा है भाई, यहीं से आए हमें लग रहा हम घूम फिर के ऊपर, और वहाँ ऊपर लास्ट में मंदिर दिख रहा है, वहाँ पे हमें जाना है यार, जल्दी पहुँच जाएं भाई। आगे भी बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे घूमने हैं, लेकिन पैदल चलना पड़ रहा, बस ये दुख है। यहाँ पे गाड़ी की एंट्री नहीं है भाई, ऑफिसर्स की गाड़ियाँ सिर्फ यहाँ पे जाती हैं नीचे, बाकी तो नहीं जाती है, प्रॉब्लम हो रही, इसलिए चलते फटाफट। फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं सनसेट पॉइंट, ये चेक करो भाई। अरे वीडियो कॉल कर रहे हो तुम, बहुत सही। ये अभी सनसेट पॉइंट आ गया भाई, वो मंदिर के ऊपर जाना है हमें, झूले वगैरह पड़े, लौट के यहाँ पे फोटोज खिंचाएंगे। चेक द व्यू गाइस, व्हाट अ व्यू, खतरनाक एकदम, जहर भैया, जन्नत। ओ भाई भाई पोपट हो गया हमारा तो, जहाँ पे सनसेट पॉइंट का बोर्ड लगा था, सनसेट पॉइंट यही है, और सनराइज पॉइंट जहाँ से हम आए हैं उसके लिए एक लेफ्ट हैंड साइड पे टर्न था, वहाँ में जाना था, वहाँ पे सनराइज पॉइंट था। वापसी में भी मिलेगा भाई, दौड़ लगा दी फालतू में, थक गया भाई अलग से। सनराइज पॉइंट बस थोड़ा, ओ सॉरी, सनसेट पॉइंट बस ये आ गया, जहाँ पे बोर्ड दिखा था, मैं आगे निकल गया था काफ़ी बोर्ड दिखाने के बाद भी, मुझे लगा आगे पोपट हो गया। सांस नहीं आ रही भाई, अरे दादा रे, चल रहे हैं फिर भी, बस पहुँच गए, दिखाते हैं आपको। तो फाइनली वी आर एट सनसेट पॉइंट, दिखा दूं, सबर करो, है कि नहीं। दिखा देता हूँ, चेक द व्यू गाइस, ये है सनसेट पॉइंट कसौली में।
अभी हम 900 फीट ऊपर हैं शायद, जैसा कि मैंने देखा था अभी गूगल पे 900 फीट ऊपर हैं हम यहाँ पहाड़ों पे। अरे वो बाकी दुनिया वहाँ बसी है, बाकी दुनिया नीचे है, ये दो शेर ऊपर हैं, समझ रहे हो। बहुत ही बेहतरीन भाई, बाबा तुम गोरे लग रहे हो एकदम, चमक रहे हो। और सनसेट पॉइंट है ये, शाम का व्यू यहाँ पे बहुत प्यारा होता है, मतलब जन्नत जिसको बोलते ना वो भी बोल सकते हैं, मतलब इतना बेहतरीन व्यू भाई, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। इसके बाद भाई सनराइज पॉइंट जाएंगे भाई, वो गलत हो गया, वो पीछे रह गया तो गुस्सा आ गया अभी मेरे को, गलत कर दिया हम लोगों ने, खुद ही गलती कर दी, अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। और वो है ना, फोटोज वगैरह क्लिक कराते हैं अभी फटाफट से, यहाँ पे बहुत सारी फोटोज स्टोरी वगैरह लगा देंगे जाके भैया, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लिया करो यार, डिस्क्रिप्शन में है मेरे यूट्यूब चैनल पे लिंक पड़ा हुआ, जाके सब्सक्राइब कर लिया करो। और भाई फोटोज क्लिक कराते हैं, तो फाइनली यहाँ पे फोटोज वगैरह हमने क्लिक करा ली, बहुत ही प्यारा व्यू है भाई। कसौली हिल्स आ रहे हो अगर आप मनाली जा रहे हो तो बीच में भाई कसौली हिल्स पे रुको, और एक दिन तो बनता है भाई कसौली में, क्यों ना सालू भाई, एक दिन तो बनता है कसौली में, सारे पॉइंट्स घूमो, फुल टू मौज भाई, एकदम आनंद ही आनंद, समझ रहे हो, सब कुछ जन्नत है यहाँ पे, तो आना तो भाई कसौली हिल्स पे आओ, सब कुछ घूमो, बहुत ही प्यारा व्यू। अब हम जा रहे हैं सनराइज व्यू पे, चलते हैं फटाफट से, सूरज काफी ऊपर आ चुका है, सनराइज व्यू का तो बैंड बज गया लेकिन फिर भी हम जाएंगे, हमको तो देखना है। तो सनराइज पॉइंट का व्यू तो यार समझ में नहीं आ रहा कहाँ से मिलेगा हमें, क्योंकि सूरज भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका है तो कुछ आइडिया नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से जो व्यू आ रहा ना भाई, अल्टीमेट भाई, एकदम पहाड़ इतना नीचे हैं यहाँ से, समथिंग 900 से 950 फीट हम ऊपर हैं, और यहाँ से जो व्यू आ रहा भाई पहाड़ों का, भाई सब कुछ जन्नत है, सांस फूल गई चलते चलते पैदल, वो अलग बात है, लेकिन मजे फूल आ रहे भाई, हम तो शेर हैं हैं सालू भैया हैं, ऊपर तक चढ़ाए थके बिना, समझ रहे हो, हालत ख़राब हो गई वो अलग बात है। गर्मी लग गई यार, ये नहीं सोचा था माइनस टेम्परेचर में भी गर्मी लग सकती है ना। चलो चलते हैं भाई आगे, दूसरा पॉइंट देखते चल के, दूसरा पॉइंट सरप्राइज में रखते हैं, जब वहाँ पे पहुँच जाएंगे देन ही दिखाते हैं कौन सा पॉइंट है वो। फाइनली हम आ चुके हैं वापसी, अपनी गाड़ी जहाँ पे पार्क करी थी, और यहाँ से निकलते हैं अगले पॉइंट के लिए, मेडिटेशन पॉइंट आगे ही है कहीं दिखा रहे हैं, अभी हम चले जाते हैं मेडिटेशन पॉइंट भाई, यहीं आगे दिखा रहा कहीं चलते हैं मेडिटेशन पॉइंट, और भाई व्यू तो बहुत ही बेहतरीन है, गजब एकदम, अजब गजब व्यू है। तो अभी ना हम जा रहे हैं चाय ब्रेक लेने, और यहाँ पे इस रोड पे है मेडिटेशन पॉइंट, कह रहे 3.5 मिनट का पैदल रास्ता है, 3.5 मिनट यहाँ से हम पैदल जाएंगे और घूमेंगे जाके, लेकिन उससे पहले पियेंगे हम चाय, क्योंकि भाई चाय ज़रूरत है, ठंड काफ़ी ज़्यादा है तो चाय पीते रहते हैं बीच बीच में, चाय ब्रेक होना चाहिए, ज़रूरी होता है, ठीक है, तो चाय पियेंगे। और एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, यहाँ पे कसौली में शॉप बहुत लेट ओपन होती है भाई, हमारे यहाँ पे सुबह 4 बजे चाय पीने जाओ, 2 बजे रात को जाओ चाय मिल जाती है, यहाँ सुबह 8:30 के बाद ही चाय मिल गई भाई, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेरे लिए, लेकिन अभी चाय मिल गई है, चाय बन रही, गर्मा गर्म चाय बनेगी, फिर हम पियेंगे, फिर निकलेंगे मेडिटेशन पॉइंट के लिए। भाई ये रही गर्मा गर्म चाय आज की, ओ भाई मंकी चाय पिएगा, गर्मा गर्म चाय पीते फटाफट से। तो ये चाय ब्रेक तो हो गया है, और वहाँ पे समोसे अभी बन रहे थे, यहाँ के फेमस समोसे हैं कह रहे हैं, उनकी तो अखबार में एक न्यूज़ भी छपी हुई है, ठीक है, तो वो देखा है, तो वहाँ पे चल के अभी लौटेंगे, जब यहाँ से अभी समोसे रेडी नहीं थे, जब लौटेंगे तो वहाँ पे समोसे खाएंगे। बढ़िया सीन क्या है यहाँ का, 3.5 मिनट का रास्ता है पैदल, जैसा कि भैया ने बताया 3.5 मिनट में हम वहाँ पहुँचते हैं, पहुँच ही जाना चाहिए वैसे, तो चलते हैं फटाफट से, और मेडिटेशन पॉइंट है देखते हैं भाई क्या सीन है मेडिटेशन पॉइंट का। मेडिटेशन पॉइंट जाने का रास्ता तो बहुत ही खतरनाक है, ध्यान लगा के ही चलना पड़ेगा हमें। सही है यार, बहुत ही बेहतरीन, एक नंबर भाई, चेक द व्यू गाइस। तो फाइनली हम आ चुके हैं मेडिटेशन पॉइंट पे, और इसको हमारे इधर वैसे सस्ता वाला जिम बोलते हैं, जो हमारे वाटर पार्क में लगा है ना वैसी मशीनें लगी हैं, लेकिन मशीनें वैसी हैं, व्यू वहाँ के यहाँ के ऐसा वहाँ व्यू आ ही नहीं सकता। ओ क्यूट क्यूट बंदर यार, डर गया वो, कह रहा मैं तो डर गई भाई साहब, चेक द व्यू गाइस। यहाँ पे शाम का यार सनसेट मिस करूँगा मैं, क्योंकि सनसेट मैं मिस कर दूँगा, मैं निकल जाऊँगा मनाली के लिए, ये प्रॉब्लम आ रही थोड़ी सी, लेकिन कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अरे देखो साले मेरा हेलमेट ना उठा लियो तू, ठीक है, हेलमेट सालू या ना उठा ले कहीं बंदर,
हाँ तो भाई मिलेगा भी नहीं हेलमेट भाई, आफा तो चाहिए देर। हाँ लेकिन हेलमेट पकड़ लो हाथ में। और ये रहा यहाँ का मेडिटेशन पॉइंट, और व्यू अल्टीमेट है एकदम। भैया आओ यार कसौली, आओ मनाली निकलो, कसौली हिल्स पे रुको, सारे पॉइंट इंजॉय करो। हमने आपको दिखा दिया कौन सा पॉइंट, कौन सा पॉइंट दिखा दिया मैंने, सनसेट पॉइंट, सनराइज पॉइंट, और ये रहा मेडिटेशन पॉइंट। अब हम इसके बाद जाएंगे मंकी पॉइंट, और एक चर्च है यहाँ पे, चर्च घूमेंगे, और लवर पॉइंट और सोसाइट पॉइंट। इतने सारे पॉइंट हमको घूमने हैं आज पूरे कसौली के, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं फटाफट से। यहाँ पे मेडिटेशन पॉइंट मैंने आपको दिखा दिया है, फोटोज वगैरह क्लिक कराएंगे यहाँ पे, देन हम निकलेंगे अपने रूम की तरफ, क्योंकि फ़ोन की बैटरी जो है सुबह से थोड़ा सा डिस्चार्ज हो रही है। यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर जा रहा है ना, तो प्रॉब्लम क्या आती, जब ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर होता है तो फ़ोन की बैटरी जल्दी जल्दी ड्रेन होने लगती, ये मैंने यहाँ पे आके देखा है मैंने खुद से। फाइनली फोटोज वगैरह क्लिक हो चुकी, अब हम निकलेंगे यहाँ से, चलते हैं गर्मा गर्म समोसे खाते हैं, और देन जाएंगे उसके बाद हम अपने रूम पे। सो लेट्स गो। आ चुके हैं गर्मा गर्म समोसे, ये रहा आलू समोसा और ये रहा चना समोसा, है कि नहीं। और इसके बाद हम खाएंगे स्पेशल बन समोसा। चलो फटाफट से वाला खाते फिर खाएंगे बन समोसा। क्यों सालू भाई, हम तो चना वाला खाएंगे। हम मैं बन वाला भी खाऊंगा। ये रहा बन समोसा, बर्गर जैसा लग रहा भाई, इसके अंदर बस समोसा रखा हुआ है, इन्होंने आधा उठा खा लिया, इनसे सबर नहीं हुआ भाई। बहुत जल्दी है ना तुम्हें खाने की, खा के देखते हैं टेस्ट कैसा। फाइनली हमने समोसे खा लिए, हमने कहा आलू समोसा और बन समोसा, इन्होंने कहा चना समोसा और बन समोसा। कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगा था? दोनों थे अच्छे। हमें बन समोसा तो बर्गर जैसा लग रहा था। चलते फटाफट से रूम पे, फ़ोन भी चार्ज करना है, और देन वहाँ से पैकिंग करनी, फिर निकलेंगे मनाली के लिए। सॉरी आगे जाएंगे मंकी पॉइंट और लवर पॉइंट, सोसाइट पॉइंट, सारे पॉइंट घूमेंगे भाई। चलते फटाफट से। सो अभी ना हम अपने रूम पे आ चुके थे, फ़ोन वगैरह चार्ज कर लिया दोबारा से, और अब हम निकलेंगे यहाँ से, जाएंगे मंकी पॉइंट, लवर पॉइंट, सोसाइट पॉइंट और चर्च। ये चारों चीज़ें होते हुए चारों चीज़ों का विजिट करेंगे, बढ़िया से एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे, बढ़िया फोटोज वगैरह क्लिक करेंगे, देन वहाँ से हम निकलेंगे मनाली के लिए। यहाँ पे धर्मपुर है, धर्मपुर होते हुए मनाली के लिए रास्ता जाता है, हमें वहाँ पे जाना है। उससे पहले ये चारों प्लेसेस जो हैं फेमस प्लेसेस कसौली के, वो विजिट करेंगे, देन निकल जाएंगे हम। तो चलते हैं फटाफट से, निकलते हैं यहाँ से। तो भाई अभी ना एक प्रॉब्लम हो गई है, हम जा रहे थे मंकी पॉइंट, और मंकी पॉइंट के लिए भाई इतना पहले से स्टॉप लगा रखा है, गाड़ी की पार्किंग नहीं है, टैक्सी नहीं है, पैदल 3 किलोमीटर जाना था भाई। 3 किलोमीटर बहुत होता है, सुबह भी पैदल चले हम 1.5-2 किलोमीटर, अभी यहाँ पे गाड़ी खड़ी करेंगे, फिर पैदल 3 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर वापिस आना, भाई बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाएगी। हमें मनाली भी तो जाना है यार। तो अभी मंकी पॉइंट का कैंसिल कर दिया, लवर पॉइंट, सोसाइट पॉइंट सारा कुछ कह रहे उधर ही है, 4-5 किलोमीटर आगे पैदल, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी मेरे लिए, इस वजह से मैंने कैंसिल कर दिया। अभी चलते पहाड़ों से नीचे उतरते हैं और मनाली का वे पकड़ते भाई। यहाँ पे घूम लिया मैंने, सब देख लिया, हो गया भाई। अगर ऐसे पैदल पैदल चलना पड़ेगा तो बेकार है, टैक्सी भी नहीं है, 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ रहा भाई, तो कम सही लगा यार। इतना नियम, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए, गाड़ी तो जानी देनी चाहिए एटलीस्ट वहाँ तक। पैदल जाने में तो हालत ख़राब हो जाएगी, 3 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर आना, बहुत सारी प्रॉब्लम है भाई। टाइम की भी बचत करनी है ना अपने को। ओ भाई पेट्रोल बचाने की निंजा टेक्निक, पहाड़ों पे भाई पेट्रोल बचाया जा सकता भाई। अभी गाड़ी ऑफ है भाई और हम चले जा रहे हैं पहाड़ों से उतरते हुए, भाई एक नंबर। देखो देखो कितने किलोमीटर जा रहे, देखना जरा, ठीक है। हाँ बिना स्टार्ट करे गाड़ी लिए जा रहे भाई, माइलेज देगी अब तो। जा रही अभी तो पहुंच जाएगी भाई, अभी तो बिना स्टार्ट करे जा रही गाड़ी नीचे। वाह भाई वाह भाई, एक नंबर। पेट्रोल की तो जरूरत ही नहीं पहाड़ों पे उतरते समय, एक नंबर भाई। ऐसा लग रहा है इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं है ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल है हमारी अंडर 350। हाँ भाई इतना बढ़िया जा रहे भाई, कोई टेंशन ही नहीं है, बंद गाड़ी लेके। पेट्रोल बच रहा भाई। बहुत सारे पैसे बचा लिए मनाली में हमने, अरे सॉरी कसौली में। मनाली में भी बचाएंगे भाई, उतरते समय, चढ़ते समय थोड़ा ज्यादा लगता है, उतरते समय उतना ही हमने बचा लिया भाई। चेक करता व्यू गाइस, गाड़ी तो चले जा रही। बिना पेट्रोल के क्या चल रहा भाई, एक नंबर। कोई कह रहा होगा 100 350 इलेक्ट्रिक है क्या।
अरे यार ये रहा भाई यार लक्स रिजॉर्ट, काफी प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से, ये देखो भाई बेहतरीन अद्भुत मनमोहक। अबे भाई कितनी स्पीड में जा रहे हम भाई, 50-60 स्पीड हो भी गाड़ी को बिना स्टार्ट किए। गाड़ी को ऑफ कर रखा हमने। 50-60 चल रहे हैं फिर भी, सोचने वाली बात है भाई। सही है यार, फुल मजे हैं पहाड़ों में भी, पेट्रोल बचा लो आके यहाँ पे, एक नंबर। देखते कितने किलोमीटर चलेगी हैं नॉन स्टॉप। जाएगी 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 कि रुकेगी क्या लगता, जाएगी जाएगी भाई, फिर ढलान आ गई। पहाड़ों के रास्ते भाई, पहाड़ों के। भैया नीचे चेक करो, क्या सीन है भाई, क्या सीन है, बहुत ही बेहतरीन। अबे भाई क्या कर रहे हैं हम लोग, समझ में नहीं आ रहा। बिना गाड़ी स्टार्ट करे चले जा रहे हैं भाई। व्यू चेक करते रहो भाई, कसौली हिल्स का व्यू है नजारा। आओ भाई घूमने निकलो यार, लो यार सामने बस आ गई, रोकना पड़ गया हमें, हम बिना स्टार्ट करे जा रहे थे मौज में। सालू भैया पूरा पेट्रोल बचा ही लेंगे भाई, बताओ जाम में भी गाड़ी नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, इतने ही लिए चले जा रहे हैं मौज काटते हुए। भाई साहब नज़ारे तो यही है भाई, पहाड़ों में ही तो जन्नत है। धीरे धीरे मनाली की तरफ पड़ेंगे और बेहतरीन पहाड़ देखेंगे भाई हम। व्यू चेक करो, फिर रोकनी पड़ गई, अभी तो स्टार्ट करनी पड़ेगी भाई। वो भाई वो जो सामने क्लॉक टावर दिख रहा है ना आपको, बस वहां पे हमारा रूम था और वहां से समझो इतना नीचे हम उतरा, एकदम टॉप पे थे भाई कसौली में, एकदम टॉप वाली हिल पे, एक नंबर भाई। बढ़े चलो भाई, अभी गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ गई, नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई, कितने किलोमीटर चलाई, 5 किलोमीटर गाड़ी नॉन स्टॉप भाई बिना स्टार्ट किए भाई, बहुत सारा पेट्रोल बचा लिया हमने। मम्मी मनाली में पैसे बच गए भाई पेट्रोल के। मम्मी कही ज्यादा पैसे ना खर्चा करना, देख रहे हो भाई टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के हमने पैसे बचा लिए मनाली में भी। सही है यार, यही पैसे जोड़ जोड़ के तो हम अगली ट्रिप का इंतजाम करेंगे भाई, ना दलू भैया। बस ऐसे ही पैसे हम जोड़ते जाएंगे थोड़े थोड़े करके, वो कहते ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो थोड़े थोड़े पैसे जोड़ते रहेंगे और ट्रिप करते रहेंगे भाई। व्यू देखो भाई, एक नंबर यार, गजब नजारे। अभी रास्ते बहुत मिलेंगे जहाँ पे हम अपनी गाड़ी बंद कर सकते हैं, बहुत सारा पेट्रोल, ये मानो 100-150 रुपए का पेट्रोल बचा लेंगे हम अपने यहाँ पे कसौली हिल्स पे। सही है, चलते रहो भाई, हाइट चेक करो। हम लोग यहाँ पे क्लॉक टावर के पास थे, वो समथिंग 900 से 950 फीट ऊंचाई पे थे हम लोग भाई, वहाँ पे पहाड़ों पे एकदम, और टेम्परेचर रात में क्या -2। लेकिन कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि रूम पे हीटर था हमारे, बहुत ही बेहतरीन। और आवाज़ में थोड़ी सी चेंजमेंट होगी क्योंकि मैं चबा रहा हूँ चिंगम अभी, टाइम पास के लिए, खाने के लिए मिला समोसा, बन समोसा तब खा लिया, चाय पी ली। अभी आगे चलते हैं, कुछ बढ़िया सा ढाबा वगैरह दिख जाए, रेस्टोरेंट दिख जाए, करते पेट पूजा, क्योंकि भारी रास्ता चाहिए भैया, मनाली तक जाना है, सफ़र लंबा है हमारा। फिर से हमने पेट्रोल बचाना चालू कर दिया भाई, बहुत सारा पेट्रोल बचाएंगे हम, भारी मात्रा में पेट्रोल की बचत। तो भाई अभी ना उतरते समय एक बहुत ही बेहतरीन व्यू दिखा मैं, ये वो वाले पहाड़ दिख रहे हैं जो हम लोग क्लास फर्स्ट सेकेंड में ना बनाते थे, ऐसे 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 एम वाले पहाड़, यहाँ से वो वाला व्यू आ रहा, बचपन की याद आ गई। लेकिन अभी असलियत में है हम लोग कसौली में, और यहाँ पे जो नज़ारे हैं भाई अद्भुत है भाई, अल्टीमेट एकदम, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पे 4-5 फोटोज़ वगैरह क्लिक कराते भाई, इंस्टाग्राम की स्टोरीज तो लगाएंगे ना, यादें रह जाती भाई ऐसी जगह की। पेड़ हाँ बहुत ही बेहतरीन है भाई, देखो ऐसे सीढ़ियाँ जैसी बनी पहाड़ों पे, देख रहे हो, ये पैदल लोगों के चलने के लिए बनाई गई है, दिखाता हूँ मैं जूम करके, दिख जाएगी, ये देखो ये पैदल लोग जो चलते हैं ना वो नीचे पहाड़ों पे भी जाते हैं, हाँ जो खतरों खिलाड़ी है वही जो चढ़ते हैं यहाँ पे भाई, क्योंकि घर भी खतरों वाली जगह पे बने हैं, लेकिन बढ़िया है, मस्त है, हम टूरिस्ट लोगों के लिए भाई बढ़िया बना रखा है इन लोगों ने, आने में आराम रहती, कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट है जगह भाई। क्या ग्रीनरी है भाई, एकदम हरियाली, पहाड़ों पे हरियाली, और ये रास्ते और ये होटल्स भाई बहुत बेहतरीन। अभी तो आंखों से देख रहे दिन का व्यू तो थोड़ा सा मतलब कि डल लग रहा है, लेकिन जो रात में जो गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा था ना यहाँ पे, क्योंकि लाइटें वगैरह चल रही थी होटल्स की, रूम्स की, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अभी
निकले भाई, आज फिर रात होगी और शाम के समय हम 5-6 बजे फिर पहाड़ों पे ही होंगे। पहाड़ों का रास्ता एंजॉय कर रहे होंगे अपनी हंटर 350 पे। ये वाला व्यू चेक करो गाइस, ये देखो बहुत ही बेहतरीन लग रहा, ये वाला टर्न बहुत बेहतरीन है, आराम से मोड़ना गाड़ी यहाँ पे। ये देखो भाई खतरनाक टर्न बनाए भाई एकदम। और भाई ये वाला व्यू देखो भाई, यहाँ पे जो गहराई है ना भाई बहुत ज़्यादा है भाई। अभी पहाड़ों का रास्ता पता नहीं अजीब ही होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हाँ ऊपर नीचे आगे पीछे, बस गाड़ी चलाए रहो, गाड़ी चलनी चाहिए बस। भाई सामने वो देखो लोग कहाँ चढ़े भाई, इतने ऊपर घास काटने की क्या जरूरत है भाई। खतरों के खिलाड़ी स्पॉटेड पहाड़ के खड़ी चढ़ाई में भाई। देखो दिखा रहा हूँ मैं, वो देखो भाई ऊपर चढ़े हैं भाई ये लोग इतने ऊपर। सही है यार, इनका भी सही है, और हमको तो ये चीज नहीं समझ में आती। देखो ओ भाई इतने ऊपर, सही है यार, हमको तो ये चीज नहीं समझ में आती जो इतने ऊपर पहाड़ों के घर बनाए हैं इन्होंने। ये सब्जी लेने कैसे जाते हैं, सब्जी उगा लेते होंगे वहीं से, पहाड़ों पे सब्जी उगती नहीं भाई लग रहा हमें। हाँ भाई तो क्या सीन है समझ में नहीं आ रहा भाई, इनको तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी। हाँ भाई वो ऊपर घास निकाल रहे एकदम, वो भी इतने ऊपर चढ़ के निकालने के जरूरत, तो बगल में लगी वो निकाल लो, लेकिन चाहिए फ्रेश वाली घास, तो खतरों के खिलाड़ी बन जाते हैं। सही है यार, हाँ यहाँ के लोग खतरों के खिलाड़ी हैं भाई। देखो ना कोई डिवाइडर है, बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ के हेवी ड्राइवर हैं हमारे सालू भाई। पहली बार आए फिर भी गाड़ी बहुत प्यारी चला रहे हैं। सही है यार, देखो भाई नज़ारों का आनंद लो। ऊन दे दो भाई, ठंडी बहुत है, थोड़ी थोड़ी दान कर दो, स्वेटर बना लेंगे जाके घर पे भाई। सब मुंडी ला रही कह रही मैं नहीं दूंगी। मत दो यार, कोई बात नहीं, हम खरीद लेंगे। सूरज मामा एकदम ऊपर भाई, टॉप पे। वाह भैया सूरज मामा टॉप पे। भैया हमने करतौली की हिल्स से गाड़ी उतारते उतारते 10 किलोमीटर गाड़ी इंजन ऑफ करके बंद चाबी गाड़ी चलाते चले जा रहे हैं भाई। 10 किलोमीटर कम से कम गाड़ी चलाई हमने बंद पे, समझ रहे हो, और अभी भी बंद ही चल रही। देखो भाई गाड़ी बंद है भाई, 40 की स्पीड में चल भी रही है। देखो 40-50 स्पीड में चल रही है गाड़ी बंद में, बहुत पेट्रोल बच रहा भाई, पैसे पैसा होगा अब तो। चलने दो भैया चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, केवल हॉर्न बजाए रहो भाई। कोई दिक्कत नहीं भाई, चलते रहो। ये भाई ये वाला व्यू देखो, पहाड़ खत्म ही नहीं हो रहा है, जहां तक नजरें जा रही है सिर्फ पहाड़ है, और उसके बाद सब कुछ ब्लर ब्लर दिखाई दे रहा है। ओ भाई वाला सीधा दिखे, देखो वाइड एंगल दिखता भाई शीशे में, वाइड एंगल। ये लोकेशन बेस्ट है भाई, यहाँ से सारे पहाड़ दिख रहे हैं भाई एकदम, और हम बहुत ऊपर थे, पता नहीं कौन से पहाड़ पे थे, चक्कर काट काट के नीचे आ गए भाई यहाँ पे। और यहाँ से जो पहाड़ों का व्यू आ रहा ना भाई, चेक करो इतना बेहतरीन है भाई, एक नंबर। भैया मनाली पहुँचना है, आज ही पहुँचेंगे हम शाम तक, व्लॉग देखते रहना भाई, बहुत ही मज़ेदार व्लॉग बनाएंगे भाई, पहाड़ों के रास्ते सारे मनाली तक चलते फटाफट से भाई। ये चेक करो गाइस, अभी यहाँ पे नदी दिख रही है नीचे, वाह भैया बहुत ही बेहतरीन व्यू आ रहा है यहाँ से नदी का, पर नदी सूखी हुई है, पानी नहीं बिल्कुल। भाई ये रोडे हैं अपनी साइड करो इधर, ये रोडे हैं यहाँ की भाई, जलेबी बनी भाई, जलेबी भी सीधी नहीं होती है, जलेबी तो टेढ़ी होती है भाई, कभी पहाड़ उतर रहे हैं कभी पहाड़ चढ़ रहे हैं, समझीन में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। गूगल मैप रास्ता ही नहीं दिखा रहा भाई, कह रहा है यहाँ से यू टर्न ले लो। लेकिन रास्ता सही है हमारा, यहाँ के लोकल लोग बता रहे हैं, कह रहे कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया सीधे चले जाओ एकदम 40-45 किलोमीटर आगे हाईवे आपको मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गूगल मैप रास्ता भूल गया मैं, ये सोच रहा हूँ भाई रास्ते देखो भैया, ऊपर से कहाँ से उतर के आए हम लोग और नीचे जा रहे हैं एकदम, फिर ऊपर जाएंगे दूसरी पहाड़, मीस वाले पहाड़ में जाना है हमें ऊपर, अभी पूरा नीचे उतर के आए अभी ऊपर जाएंगे हम लोग ना, पहाड़ी खेल रहे हैं भाई। अभी वो पीछे वाली पहाड़ी से अभी इस पहाड़ी में आ गए हम, और अभी देखते हैं इस पहाड़ी से किस पहाड़ी में जाते हैं।
पहाड़ी पहाड़ी खेल रहे भाई, अलग ही चल रहा है एकदम। गाड़ी चलाने में अलग मजे आ रहे हैं। सही है यार भाई, वही है ना, मंजिल से ज्यादा रास्तों का मजा होता है। वही कर रहे हैं हम, घूम रहे हैं बढ़िया। और रास्ते भाई, रोडे ठीक बनी है, लेकिन होती ना पहाड़ों पे गाड़ी स्पीड में नहीं चला सकती। हम लोग 30-40 चला रहे हैं, और अभी यहाँ से 219 किलोमीटर दूर मनाली है भाई, पहुँचेंगे लेकिन आज ही पहुँचेंगे। देखते रहिए बस, इंजॉय करते रहिए रास्तों को। तो भाई अभी ना हम लगातार भाई 30-35 किलोमीटर के ऊपर चल चुके हैं, और गाड़ी बराबर ऑफ है भाई। कम से कम 45-50 किलोमीटर गाड़ी हमने ऐसे ही चला ली है भाई, ऑफ इंजन में भाई, समझ रहे हो। और इतना पेट्रोल बचाया हमने, कुछ कहने को नहीं। यहाँ से 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर आगे 4-लेन हाईवे है, वो हाईवे पकड़ के हम मनाली जाने वाले हैं। लेकिन भाई कुछ भी बोलो, गाड़ी अभी भी ऑफ है भाई, गाड़ी ऑफ है, एकदम मौज काटते हुए चले जा रहे हैं भाई। स्टार्ट ही नहीं कर रही, सिर्फ हॉर्न बजा रहे हो, ब्रेक लगाए रहो बस। पेट्रोल की कमी नहीं है, केवल हिम्मत होनी चाहिए पहाड़ों पे आने की। आओ यार देखो क्या टर्न आ रहे हैं, बेहतरीन बेहतरीन, एक नंबर। ये देखो भाई, एक नंबर व्यू, पहाड़ ही पहाड़। वाह भाई, व्हाट अ व्यू, कोठीपुरा चिल्ला ब्रह्मपुखर, हमको पहुंचना है ब्रह्मपुखर भाई, बहुत ही बेहतरीन। ये देखो सूरज चाचा भी सामने आ गए एकदम। तो फाइनली अभी यहाँ से मनाली है मात्र 172 किलोमीटर, और चंडीगढ़ है यहाँ से 105 किलोमीटर, कांगड़ा ये है 135 किलोमीटर। मनाली सबसे आगे है भाई, और ये रही मेरी हंटर 350, और ये रहा 4-लेन हाईवे। चलते हैं भाई, निकलते हैं यहाँ से, बस 172 किलोमीटर और मनाली दूर नहीं, लेट्स गो। तो अभी यहाँ से मनाली बचा है मात्र 140 किलोमीटर, और आगे आ रही है एक प्यारी सी टनल, आपको दिखाते हैं, बहुत ही बेहतरीन। तो लेट्स गो, और भाई चलते हैं टनल वाले, टनल क्रॉस करते हैं, और आगे भी एक बढ़िया से ढाबे पे रोके। यार भूख लग गई अभी बहुत ज़्यादा, सुबह के केवल बन समोसा खाए, और समोसा खा के चाय पी के काम चला रहे हैं। और चलते हैं भाई आगे, टनल पे एंटर करते हैं भाई, टनल बहुत ही बेहतरीन है, लेट्स गो भाई। टनल नंबर 5, एक टनल हमने पीछे पार कर ली, ये टनल नंबर 5 है। स्पीड लिमिट 60, और भैया यहाँ पे टनल के अंदर स्पीड लिमिट 60 है, और बड़ी समस्या है टनल के बाहर भी कैमरे लगे जगह जगह पे, अगर आप ओवर स्पीडिंग करते हैं भाई आपका चालान कटेगा, सीधी सी बात है, गाड़ी चलेगी चालान कटेगा। और नए बंदे जो जोर जोर में आ रहे भैया मनाली, ध्यान रखो कसौली के आगे जब मनाली की तरफ बढ़ोगे, हाईवे पे स्पीड लिमिट कैमरा लगे हुए भाई, जोश जोश में आके जितना खर्चा नहीं होगा उतना आप खर्चा करा लोगे, चालान कटवा बैठोगे। इस वजह से जब भी आओ स्पीड लिमिट का कुछ करके आओ भैया, आराम से गाड़ी चलाओ। मेरी भी भागती 110-30, लेकिन मजबूरी में 60-60 चला के लेके जा रहे हैं भाई, समझ रहे हो। लेट हो रहे वो अलग बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं, चालान से भी तो बचना है, इसलिए 60-60 ही सही चलेंगे धीरे धीरे। तो फाइनली भैया हम लोग आ चुके हैं टनल के बाहर, चेक द व्यू गाइस, भैया पूरा हिमाचल प्रदेश पहाड़ों में ही है भाई, बहुत मजे आ रहे अलग ही प्रकार के। देखो चारों तरफ पहाड़े ही पहाड़े, पहाड़े ही कह रहा हूँ मैं, पहाड़ ही पहाड़ चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ भाई। यार गाड़ी चलाए चलाए हालत खराब हो गई, लेकिन मनाली तो पहुंचना है, पहुंचेंगे जरूर। लेह भाई, लेह का प्लान किया जाए क्या, क्या बोलती पब्लिक, भैया बताओ यार, लेह का प्लान कर ले, नहीं तो अगला प्लान मैं सोच रहा हूँ जल्दी ही बनाता हूँ मैं। और अभी तो मनाली निपटाते हैं पहले, सारे एपिसोड तो आ ही चुके हैं, मनाली चलते हैं, फिर सीसू जाएंगे, रोहतांग वैली जाएंगे, और क्या है जो भी है सब निपटा देंगे। सीसू की फ्रोजन लेक देखनी है मुझे भाई, वो देखेंगे चल के, बहुत मजे आएंगे। मुस्कुराइए आप सुंदर नगर में, तो फाइनली हम सुंदर नगर में एंटर कर चुके हैं। तो फाइनली अभी आ चुके हैं एक बढ़िया से ढाबा में, और यहाँ पे खाते हैं गर्मा गर्म आलू के पराठे और चाय, और व्यू चेक करो आप भाई,
पहाड़ों में आलू के पराठे मिल रहे। तो सालू भैया बहुत देर से गाड़ी चलाई भाई, नॉन स्टॉप भाई गाड़ी चला रहा, मैं तो चला भी नहीं रहा। आगे पराठे आगे गर्मा गर्म। थैंक यू अंकल, गर्मा गर्म पराठे। हरी चटनी रहेगी अभी? हाँ हाँ तीखी वाली, अभी हरी चटनी भी आएगी, देन स्टार्ट करते भाई। सो अभी गर्मा गर्म चाय भी आ चुकी है, चाय पराठे अचार और हरी वाली चटनी बस आ जाए। और फाइनली नाश्ता करके हम निकल चुके हैं, अब यहाँ से मात्र 95 किलोमीटर में जाना है और देन हम होंगे मनाली में। तो भैया पहुँचते हैं फटाफट से, टाइम हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, कह रहे हैं यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता। भाई पहाड़ देखो भाई, ये पहाड़ है खतरनाक भाई एकदम, यार भरोसा नहीं है, पता नहीं कब कहाँ से कौन सा पहाड़ टपक जाए नीचे। देखो खड़े पहाड़ है भाई एकदम, ओ भाई इतना खतरनाक रास्ता देखो भाई, और सनसेट दिख रहा थोड़ा सा प्यारा प्यारा, और रास्ते बहुत खतरनाक है भाई मनाली जाने के लिए। ये अभी जिस रोड पे चल रहे हैं नया ट्रैक है लग रहा है, एकदम नया सा रोड दिख रहा है एकदम। सही है यार बहुत, अभी कितना किलोमीटर चल रहा है यार? अभी मात्र हम लोग 10 किलोमीटर ही चल पाए यार, अभी 85 किलोमीटर हमें और जाना है यार। इन पहाड़ों के रास्तों में राइडिंग करना भाई अलग ही है, समझ रहे हो? मज़ा तो बहुत आ रही है, लेकिन अभी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो है, 3 डिग्री है आई थिंक, ठंड बहुत ज़्यादा है। और यहाँ से व्यू चेक करो भाई, नदी बह रही बगल में, अभी हम इतना ऊपर है ना भाई कुछ करने को नहीं। यहाँ पे दिखा रहा था अभी 600 फीट समथिंग ऊपर थे हम, और अभी तो काफ़ी नीचे आ चुके हैं। पहाड़ देखो भाई पहाड़, अल्टीमेट एकदम ऊपर ऊपर मस्त भाई साहब, सर के ऊपर पहाड़ आ रहे हैं अभी तो, गाड़ी नीचे चल रही सर के ऊपर पहाड़ एकदम भाई साहब, बहुत ऊंचे पहाड़ है देखो। और अभी बज चुके हैं शाम के कितने बजे, 6 बजने वाले हैं भाई, 6 बजने वाले हैं, एकदम 7:30-8 बजे तक पहुँचेंगे मनाली। अभी 70 किलोमीटर बचा हुआ है भाई, फटाफट से पहुँचते। पहाड़ देखो भाई एकदम सर के ऊपर आ रहे पहाड़, लेट्स गो। फाइनली अभी 586 रुपये का फ्यूल अप और कराया भाई, टैंक एकदम फिर से फुल करा लिया है, और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई यहाँ पे भाई, टेम्परेचर 8 डिग्री चल रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो फटाफट से चलते हैं जहाँ तक का सफ़र तय कर पाएंगे, कुल्लू अगर पहुँच जाते हैं तो कुल्लू में ही स्टे कर लेंगे। कुल्लू यहाँ से अभी लगभग 35 किलोमीटर कुल्लू बचा हुआ है, कुल्लू पहुँचते हैं अगर कोई ठीक ठाक रूम वगैरह मिल जाते हैं देन वहाँ पे आज रात स्टे कर लेंगे भाई, कल सुबह निकल लेंगे मनाली के लिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, रात में सफ़र करना अच्छा नहीं होगा हमारे लिए भी, इसलिए कुल्लू तक चलते हैं, 35 किलोमीटर और है समथिंग, कुल्लू चलेंगे वहाँ पे स्टे कर लेंगे। तो फटाफट से पहुँचते हैं, तो फाइनली हम एंटर कर रहे हैं कुल्लू में, तो चलते हैं फटाफट से। तो फाइनली कुल्लू में स्टे करने के लिए आज रात का रूम चेक करो गाइस, ये रहा हमारा आज का रूम, सारा सामान फैला दिया आते ही, और डबल बेड है प्यारा सा, और एक ये अलमीरा है, हालत ख़राब भाई और ये बिस्तर वगैरह पड़े हुए हैं गद्दे। फटाफट से रूम टूर हो गया, ये आते ही वॉशरूम में हैं, सही है। और ये लगा हुआ है छोटा सा टीवी, और ये रही एक चेयर, काफ़ी प्यारा रूम है, बढ़िया है। और अभी हम यहाँ पे आए हैं, अपना सामान वगैरह फेंक दिए हैं, अब हम जाएंगे थोड़ा सा नाश्ता करेंगे जाके, रात में डिनर बोलेंगे, थोड़ा सा नहीं भरपेट खाएंगे जाके यार, डिनर करना बहुत ज़रूरी है। सो अभी हम जा रहे हैं डिनर करने, और आज के व्लॉग में बस इतना ही, व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, कल हम यहाँ से निकल जाएंगे मनाली के लिए, मनाली यहाँ से रह गया मात्र 40 किलोमीटर, और 40 किलोमीटर पहले रुकना मेरी मजबूरी थी भाई, ठंड इतनी ज़्यादा थी, -2 डिग्री टेम्परेचर चला गया यहाँ पे, और हाईवे पे नॉन स्टॉप 100 किलोमीटर गाड़ी चलाई भाई, कसौली से लेके यहाँ मनाली में जब हम चढ़े ना पहाड़ों पर, तो 100 किलोमीटर नॉन स्टॉप पहाड़ों पर गाड़ी चलाई, और टेम्परेचर इतना ज़्यादा लो
और बहुत ठंड। हाईवे पे पता बाइकें इक्का दुक्का बाइकें दिख रही थी, सारी फोर व्हीलर सब ब्लोअर ऑन करके जा रहे हैं हम वो क्या बोलते हैं प्राकृतिक एसी चल रही है भाई वहाँ पे चल रहे, वो भी -2 टेम्परेचर में। ठीक है, तो 40 किलोमीटर पहले कुल्लू में स्टे ले लिया हमने और काफ़ी प्यारा रूम मिल गया है, 700 रुपये पर नाइट का रूम है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया रूम है और अच्छा लग रहा है। अब यहाँ सोएंगे, कल सुबह निकल जाएंगे मनाली के लिए। मनाली यहाँ से मात्र 40 किलोमीटर आगे है, तो कल के व्लॉग में मनाली में मिलेंगे और आज के व्लॉग में बस इतना ही। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। कल मिलते हैं मनाली में, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।